Hello, ladies and gentlemen. This is your host RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की इस vocab के session को. आज हमारे पास में जो सबसे पहला word आपको देखने को मिल रहा है बेटा, वो है thou. THAW. THAW की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब कोई चीज आपके पास में melt होती है, पिघल जाती है, जैसे आइसक्रीम हो सकती है, ग्लेशियर्स हो सकते हैं. अगर वो पिघल जाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो melt हो रहे हैं. To become or to make something become soft. Lord liquid again after freezing, यानी कि फ्रीज हो गए थे, वो जम गए थे, उसके बाद में वापस से वो मेल्ट हो रहे, तो उस कंडीशन को अब ध्यान रखिएगा. अगर सिर्फ नॉर्मल हो रहे हैं तो उस कंडीशन में वो फ्रीज हो गए थे, और अगर उसके जस्ट बाद में वापस से फ्रीज होने के जस्ट बाद में वापस से वो पिघलना शुरू कर दें तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा कि वो थॉ हुआ है, यानी कि वापस से मेल्ट हुआ है, अनफ्रीज हुआ है, डिफ्रोस्ट हुआ है. डिफ्रोस्ट आजकल आप देखोगे जो बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स आते हैं तो उनमें एक डिफ्रोस्ट का कहीं ना कहीं एक फंक्शन आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बर्फ होती है उसमें जमती नहीं है. जो आइस वगैरह होती है आजकल आप देखोगे तो आजकल के जो नए फ्रिज आ रहे हैं, रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, उनमें बर्फ वगैरह का जमने का कोई सेंस उसमें होता नहीं है. वहां पर प्रॉपर वो कूलिंग करते हैं और इतनी फ्रीजिंग नहीं कर सकते हैं चीजों को. ठीक है, डिजोल्व हम लोग बोल सकते हैं, वार्म अप हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है मेल्ट हो रहा होगा तो कहीं गर्मी भी हो गई है. ठीक है, सॉफ्टन बोल सकते हैं, रिलैक्स, पहले हार्ड था अब सॉफ्ट हो गया. तो एक ये सॉफ्टन जो मीनिंग हम लोग कन्वे कर रहे हैं ये है सेंस के अकॉर्डिंग. मैंने हमेशा बेटा आप लोगों से एक ही बात कही है कि कभी भी वर्ड का जो मीनिंग होता है फिक्स नहीं होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग और सिनेरियो के अकॉर्डिंग वहां पर मीनिंग वेरी कर जाते हैं, चेंज आते हैं उनमें. ठीक, रिलैक्स हो गया, पहले जो सिचुएशन थी थोड़ी सी हार्ड थी अब रिलैक्स हो गई. लिक्विफाई वहां पर हम लोग बोल सकते हैं, यहां पर लिक्विफाई वापस एक और वर्ड है, टेंपर हो गया, डी आइस हो गया, दो हो गया आपके पास में, टेपिटाइज हो गया, ब्रेकअप हो गया, वैन हो गया, और बिकम लिक्विड. देखो यहाँ पर ये बर्फ थी पूरा थी और यहाँ पर उसी से ये पानी निकलता जा रहा है, उसी में से ये पानी बह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मेल्ट हुआ होगा. ये जो बर्फ यहाँ पर है, ये जो आइस यहाँ पर है, ये कहीं ना कहीं मेल्ट हुआ होगा, तब जाके ये पानी यहाँ पर दिख रहा है अभी. ठीक है, अगर हम लोग इसका ऑपोजिट देखना चाहें, अच्छा इसका एक और वर्ड, एक वर्ड और मुझे याद रहा है, नेग्रोस. नेक्रोस भी इसका एक सिमिलर वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका मतलब सेम पिघलना ही होता है. अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रख लेना NECROSE, नेक्रोस. ठीक है बेटा, ऑपोजिट इसका देखना चाहे तो जो चीज आपके पास पिघल गई थी तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, वापस से जमना ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा वापस से. चिल, बिल्कुल चिल्ड. चिल्ड मतलब हम लोग, अब देखो जो चिल वर्ड है वो तीखे के लिए भी यूज होता है, और उसके अलावा वहीं पर अगर बिल्कुल ठंडा हो तो उसके लिए भी हम लोग चिल यूज करते हैं, क्योंकि चुपता है वो बिल्कुल हमें. ठीक है, आइस हो गया, फ्रोस्ट हो गया, हार्डन हो गया, स्टिफन हो गया, और सोलिडिफाई करना भी हो जाएगा हमारे पास एक वर्ड. ठीक बेटा, अगला जो वर्ड है हमारे पास में, परवेजिव. वापस बोलिए, परवेजिव. PERVSIVE, परवेजिव. परवेजिव आपके पास में कोई चीज व्यापक होती है, या फिर आई कैन से जो चीज अपने आप में बेटा ब्रॉड लेवल पे होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे कि वो आपके पास में परवेजिव होगी. ये इसी का एक सिमिलर वर्ड है. ठीक है, ubiquitous आपके पास इसी का एक वर्ड है, जो चीज बहुत दूर तक फैली हुई हो, बहुत दूर तक उसकी अप्रोच हो, पहुंच हो, तो उस कंडीशन में भी हम लोग उसको वाइड स्प्रेड ही बोलेंगे या फिर परवेजिव बोलेंगे. दैट इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ समथिंग, जो दुनिया में हर जगह. आप अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा इंटरनेट, इंटरनेट दुनिया के हर कोने में है, तो वी कैन से वो वाइड स्प्रेड है या फिर परवेजिव है, उसकी जो प्रेजेंस है वो परवेजिव है. ठीक, प्रेवेलेंट हम लोग बोल दिया. इसी के लिए आपको याद है कि भगवान कहाँ कहाँ होते हैं, तो वो तो ओमनीप्रेजेंट होते हैं, सब जगह भगवान आपको मिलेंगे. किसी इंसान में ढूंढना चाहोगे तो मिलेंगे, किसी जानवर में ढूंढना चाहोगे तो मिलोगे, किसी नॉन लिविंग थिंग में देखोगे तो भी आपको भगवान दिख जाएंगे. वो कैसे है, ओमनीप्रेजेंट है, यूनिवर्सल है, ऑल एनकम्पासिंग आपके पास में हो गया, पेनिट्रेटिंग आपके पास में हो गया. ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में परवेजिंग के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे. अब इसी का ऑपोजिट क्या देखना चाहें बेटा, इसी का ऑपोजिट देखना चाहें तो जो चीज आपके पास में कम होती है, जिसकी लैक होती है, कमी होती है, जो सब जगह नहीं है, थोड़ी सी लिमिटेड जगह ही आपको देखने को मिल सकता है, तो वो आपके पास में रेयर हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा. अनकॉमन, स्पेर्स. इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंटली कहीं दिखता नहीं है, इनफ्रीक्वेंट है, तो रेस्ट्रिक्ट थोड़ा सा उस पर हम लोग कह सकते हैं मामला हो सकता है. और स्कार्स, यानी कि जो यदा कदा ही आपको देखने को मिलता है, कभी कभी ही देखने को मिलता है, समटाइम्स. इसके लिए एक और हम लोग टाइम के सिनेरियो में यूज कर सकते हैं, जो हमेशा ऑलवेज आपके पास नहीं होता है, जो आपके पास में वीकेंड से ओमनीप्रेजेंट नहीं होता, यूनिवर्सल नहीं होता, एवरीवेयर आपको नहीं मिल सकता, जनरल चीज नहीं है वो, तो आपके पास में क्या होगा, लिमिटेड होगा. और स्कार्स उसकी कमी होगी, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लैक होगा, उसका कमी होगा. अगला जो वर्ड है बेटा, एक और वर्ड है आपके पास में, एविडेंट. अब जरा इस वर्ड को देखिए, एविडेंट.
वर्ड देखा आपने एविडेंट, हमारे पास में जो वर्ड है बेटा वो था एविडेंट। अगर एविडेंट की हम लोग बात करना चाहें तो वो चीज आपके पास में सामने हो, प्रत्यक्ष हो, जिसको किसी और अदर सफाई की नीड नहीं होती है, जो आपके सामने डायरेक्टली विजिबल हो, इजिली सीन, जिसको आप बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी हैजल के देख सकते हो, तो वो आपके पास में एविडेंट होता है, ठीक है। और अंडरस्टूड, जिसको आप इजिली समझ सकते हो, तो वीकेंड से वो चीज आपके पास कैसी होगी, ऑब्वियस होगी। ऑब्वियस होगी इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि वो क्लियर है, उसमें किसी और चीज की नीड नहीं है हमें। ऑब्वियस है, अपेरेंट है, मैनिफेस्ट है, प्लेन हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, जिसको इजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है, डिस्टिंक्ट है वो। इवन वीकेंड से जो चीज आपके पास में ट्रांसपेरेंट होगी, जिसको आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, सेल्फ एविडेंट है, पल्पेबल है आपके पास में, नोटिसेबल है, कॉन्स्पिक्यूस है आपके पास में, अनमिस्टेकेबल है, और पेटेंट है, जिसका पेटेंट हो रखा है। तो ये आपके पास में सारी की सारी जो बात है वो एविडेंट के ही सिमिलर वर्ड में हम लोग देख पाएंगे। ऑपोजिट क्या होगा इसका, जो चीज़ क्लियरली विजिबल नहीं होती है, तो वीकेंड से थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो हिडन होगी, छुपी हुई होगी, ऑब्स्क्योर होगी, एम्बिगुअस होगी, अनक्लियर होगी, इनकॉन्स्पिक्यूस होगी, सबटल होगी, अनऑब्स्ट्रक्टिव आपके पास में होगी, और इनडिस्टिंक्ट आपके पास में होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपके पास में जब किसी पेपर में वो पूछता है आपसे, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट कोशिश करें कि इन चीजों को आप इजीली समझ पाओ, ये चीजें बहुत आवश्यक होती है। अब जो नेक्स्ट वाला वर्ड है हमारे पास में वो है अटरेंसेस। अटरेंसेस अटर से बना है। अब आप देखोगे कि आपके पास में कोई वर्ड है, अटर का मतलब होता है बेटा कोई चीज को आप बोल रहे हो, बोलते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं कि कोई चीज आपके पास कथन है, या फिर आपने जो भी कुछ बोला है, उक्ति जो भी आपने करी है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो आपने अटर किया है, तो उस कंडीशन को हम लोग अटरेंसेस में यूज करने वाले हैं। टू एक्सप्रेस योर आइडियाज और फीलिंग इन स्पोकन वर्ड, यानी कि आपके मन में जो चल रहा था, आपके दिमाग में जो चल रहा था, आपने उसको अपने मुंह से बोल दिया है या फिर कह दिया है, तो आप स्टेटमेंट के थ्रू आपने उसको कह दिया है, तो उस कंडीशन में आपने उस चीज को क्या किया है, अटर है, और वो अही अटरेंस यूज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पास है कोई नेता है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो अपनी किसी बात को, अपने किसी आइडिया को लोगों के सामने कन्वे कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट के थ्रू तो बोलेगा, मुंह से ही बोलेगा उस कंडीशन में। तो वीकेंड से एक तरीके से ये उसके लिए क्या हो जाएंगे, वो अपना एक्सप्रेशन वहां पर लोगों के सामने रख रहा है। सॉरी फॉर दिस, आज थोड़ी सी ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई। कल मैंने सोचा था कि इतनी हाँसी नहीं आएगी, बट आज वापस से वही सिनेरियो हो गया, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हुआ आज। आर्टिकुलेट किया है उसने, स्टेटमेंट किया है, बोलने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। वर्बलाइजेशन हुआ, हाँ पर हुआ है वर्बली, आप जो चीज मुझसे जो भी बोलते हो वो सब कुछ वर्बली होगा, ठीक है। जो भी डिक्लेरेशन हुआ होगा, डिक्लेरेशन के साथ में बैठा होगा हम लोग यूज करना चाहें, स्टेटमेंट जो उसका होगा वही आपके पास में होगा। वोकलाइजेशन, फ्रेजेस, रिमार्क्स, एक्सक्लेमेशन वहां पर हो सकते हैं, डिस्कोर्स हो सकता है, अटरेंस हो सकती है, स्पीच होती है, कम्युनिकेशन होती है, डायलॉग्स हो सकते हैं, या फिर कन्वर्सेशन हो सकते हैं। ऑपोजिट आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें बेटा, तो आपके पास में ऑपोजिट जो होगा वो उसके क्या होगा, एक तो है जो अपनी मन की बात को बता रहा है, और एक है जिसने कुछ भी नहीं बताया, तो उसने चुप्पी साध रखी है, म्यूट हो रखा है, पूरा क्वाइट है, हश है, स्टिलनेस है, रिटेंशन है वहां पर। ये सारे के सारे जो वर्ड हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास एक जगह बोलने की बात हो रही है, एक जगह चुप रहने की बात हो रही है। बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन था जो हम लोग इजीली समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ, इससे मुझे थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है और खांसी भी नहीं आएगी, ठीक है। विटिएट एक वर्ड है बेटा, विटिएट, विटिएट हम लोग बात करना चाहे तो विटिएट आपके पास में वर्ब की एक कैटेगरी होती है, ठीक है। कहीं पर आप किसी को क्या करते हो, भ्रष्ट कर देते हो, खराब कर देते हो, ठीक है, स्पॉइल, स्पॉइल करना, किसी बच्चे को बिगाड़ दिया आपने, तो भी आपने विटिएट किया है उसको, या फिर हम लोग इजीली कह सकते हैं कि आपने उसको दूषित किया। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, जो कम बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, उन फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है वो नदी वगैरह में आता है, उनको क्या करता है, विटिएट कर देता है, तो ये आपके पास में विटिएट करना उसका एक मीनिंग हो जाएगा। टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव, टू स्पॉइल समथिंग, या किसी को बिगाड़ना, ये ज्यादा अच्छा मीनिंग है इसके कंपेरिजन में। करप्ट करना एक मीनिंग, इसका एक पॉसिबल मीनिंग है। कंटेमिनेट, टेंट, स्पॉइल, पॉल्यूट,
डिबेस हो जाएगा, एल्ट्रेट हो जाएगा, सुली हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, ब्लेमिश होगा, अंडरमाइन, इम्पेयर, रुइन, हार्म, डिफाइल, वीकन, आपके पास में एक और वर्ड है। ऑपोजिट क्या होगा, आपने उसको खराब नहीं करके थोड़ा और जो पहले से था वो उसको और इम्प्रूव कर दिया है, बेहतर कर दिया है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, उसको इन्हेंस किया है, इम्प्रूव किया है, स्ट्रेंथन थोड़ा सा मिला है उसको, और प्योरीफाई किया है, एलिवेट किया है, रिफाइन किया है, क्लैरिफाई किया है, या फिर प्रिजर्व किया है उसको, या फिर मेंटेन भी आपने कर रखा है, तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि खराब तो कर नहीं रहे हो आप वहां पर। अब इस वर्ड को अगर मैं देखना चाहूँ बेटा, तो यहाँ पर क्या लगा है, एल वाई। एल वाई मतलब जिस भी वर्ड में एल वाई लग जाता है वो आपके पास में एक्सप्रेशन दिखाता है किसका, एडवर्ब का। एडवर्ब मतलब कोई काम हो रहा है तो किस मैनर में हो रहा है वो हमें बताएगा एल वाई। बींग रोर और इनएक्यूरेट, कोई चीज़ आप गलती से कर रहे हो, बाई मिस्टेक ऐसा कर रहे हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में एरेनियसली आपके पास में होगा। एरर, एरर से ही वर्ड बना है एरेनियसली, ठीक है। इनकरेक्टली कोई काम आप कर रहे हो, इनएक्यूरेटली कर रहे हो, फॉल्सली कर रहे हो, बाई मिस्टेक कर रहे हो, यानी कि मिस्टेकनली आप वहाँ पर वो काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं। फॉल्टली, रॉन्गली, इम्प्रॉपरली, मिसगाइडेडली, अनवाइजली आपके पास में होगा, फेलिशियसली, इलॉजिकली, जिसको जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, जो बिल्कुल ठीक ठीक साउंड भी नहीं हो रहा है, तो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब सॉरी सिमिलर वर्ड हो जाएगा। अब कोई वर्ड है उसका ऑपोजिट हमें देखना है, तो आप गलती से नहीं करके उसको लॉजिकली कर रहे हो, ठीक तरीके से कर रहे हो, राइटिस वे में कर रहे हो उसको, प्रॉपरली कर रहे हो, करेक्ट तरीके से कर रहे हो, एक्यूरेट वे में कर रहे हो, ट्रूली कर रहे हो, जस्टली कर रहे हो, राइटली कर रहे हो, वैलिडली कर रहे हो, तो सारे के सारे जो वर्ड आपके पास में होंगे वो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे और ये आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। आई होप क्लियर हुआ बेटा। अच्छा वर्ड है रिवर्ब। रिवर्ब मतलब आप किसी को क्या करते हो, रोक देते हो कोई काम करने से, इनकार करते हो। जैसे सपोज करेंगे भैया इनको प्रपोज करना चाह रहे थे अभी फेब्रवरी आ रही में, तो इन्होंने मना कर दिया। नहीं, तो एक्चुअली में क्या हुआ, एन अनकाइंड रिफ्यूजल ऑफ एन ऑफर और सजेशन। सजेशन को लेके भी हो सकता है, कि प्यार मोहब्बत की बातें भी हो सकती है। रिजेक्ट क्या है, रिपेल क्या है, स्नब क्या है, डिक्लाइन क्या है, ब्रश ऑफ हुआ, डिसमिस हुआ, इग्नोर, स्पर्न पॉसिबल मीनिंग है, रेपुडिएट वहां पर हुआ है, रिफ्यूज हुआ है, रिपल्स हुआ है, टर्न डाउन हुआ है, कोल्ड शोल्डर, डिसरिकार्ड, डिसडेन, या फिर इसको डांट भी दिया है। अपोजिट देखें, जहां पर आपने मना नहीं करके एक्सेप्ट कर लिया, उस चीज को वेलकम किया है, एम्ब्रेस किया है, अप्रूव हुआ है, रिसीव हुआ है, एक्नॉलेज हुआ है, रिस्पॉन्ड हुआ है, या फिर एनकरेज हुआ है बेटा, तो वो भी आपके पास में अपोजिट हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। आज थोड़ी ज्यादा ही मुझे लगा था आज तो नहीं होगी खांसी की दिक्कत, लेकिन कल से तो ज्यादा ही हो गई है, तो थोड़ा लंबे टाइम तक मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। नॉर्मली नहीं बोल रहा हूँ तो दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन बोलने से थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो बेटा आज के लिए मैनेज कर लेना, बाकी कल से मैं कुछ करता हूँ कुछ ना कुछ कोशिश कि ये ऐसा नहीं हो, तो आज के लिए सॉरी, बट कल से हम लोग इसको वापस से प्रॉपरली वे में रेगुलर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारी इतनी ही बात होगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं, चलो भाई, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय। और प्लीज़ इनको एक बार वापस से देख लेना, थोड़ा सा खांसी वगैरह को इग्नोर करना, ठीक, बाय बाय। हमारे लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है।